लद्दाख में दो बार की घुसपैठ की कोशिश, फौज ने वापस लौटाया। पूर्वी लद्दाख में पिछले महीने चीन के सैनिकों द्वारा दो बार घुसपैठ करने का नया मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 20 और 28 मार्च के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक दो बार बुरज से और देपसांग क्षेत्रों में आ गए थे। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित अंतिम अड्डे ओल्ड पेट्रोल पॉइंट तक चीन के सैनिकों ने पहुंचने की कोशिश भी की थी, हालांकि सेना ने उनकी कोशिशों को नाकाम करते हुए उन्हें वापस जाने के लिए बाध्य किया। बता दें कि दो साल पहले देपसांग इलाके में ही चीनी सैनिकों ने 21 दिनों तक डेरा जमा लिया था और दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। हीरो ने बनाई दुनिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक। हीरो मोटोकॉर्प ने ऐसी मोटरसाइकिल डेवलप की है जिसे दुनिया में सबसे अधिक फ्यूल एफिशिएंट बताया जा रहा है। स्प्लेंडर आई स्मार्ट नाम की इस न्यू जनरेशन बाइक को कमर्शियल लॉन्च के लिए टेस्ट और सर्टिफाई किया गया है। केंद्र सरकार की एजेंसी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की ओर से मार्च में सर्टिफाई फ्यूल एफिशिएंसी वैल्यू के मुताबिक इस बाइक ने 1 लीटर पेट्रोल में 102.50 किलोमीटर की माइलेज दी है। कंपनी ने दिल्ली की एलॉय व्हील वाले मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस 51,100 रुपए और स्पोक व्हील मॉडल का प्राइस 50,000 रुपए रखा है। रेत माफिया के ट्रक से कांस्टेबल की मौत। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शनिवार देर रात एक कांस्टेबल ने शक होने पर रेत माफिया के ट्रक की तलाशी लेने की कोशिश की। इसी दौरान ड्राइवर ने पुलिस को सामने से आते देख ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में कांस्टेबल की ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई। करप्शन पर नकेल को केजरीवाल का हथियार। दिल्ली के हर नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ इंस्पेक्टर बनाने के वादे के साथ दिल्ली की आप सरकार एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी किया। हेल्पलाइन की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तालकटोरा स्टेडियम में की। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर है 1031। आईपीएल में 10.5 करोड़ में बिके कार्तिक पर दबाव। आईपीएल 8 का ऑक्शन कुछ खिलाड़ियों को करोड़पति बना गया, अब कीमत के मुताबिक परफॉर्मेंस की जरूरत है। युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में दिल्ली डेयरडेविल ने खरीदा। दिनेश कार्तिक दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 10.5 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा। कार्तिक के मौजूदा फॉर्म और आईपीएल करियर पर नजर डाले तो उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की उम्मीद कम ही है। पहले मंत्री के हाथ पीटा, फिर पार्टी से निकाला गया। समाजवादी पार्टी में खींचतान का नया दौर शुरू हो गया है। कानपुर ग्रामीण यूनिट के जिला सचिव को शनिवार को पार्टी से निकाल दिया गया। प्रवक्ता सचिन वोरा के अनुसार ये पार्टी का फैसला है। पदाधिकारियों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। वही निष्कासित विवेक अवस्थी का दावा है कि प्रदेश के एक मंत्री ने उसे बेटों के साथ पीटा, किसी तरह उसकी जान बची। पुलिस में रिपोर्ट ना लिखने पर उसने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, अब कोर्ट में शिकायत डाली है। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।